देखिए, ये बात जग जाहिर है कि जो लोग मुखर होके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से सवाल पूछते थे, अपनी बात जोर से रखते थे, जिनकी बात करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर सुनते थे, उन लोगों के ऊपर केंद्र सरकार और उनकी उनसे जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो हमलावर हैं। संजय सिंह जी आज जेल में हैं, महुआ मित्रा आज संसद से बाहर हैं, तमाम ऐसे एक्टिविस्ट, सिविल लिबर्टी एक्टिविस्ट जो सरकार से सवाल पूछते थे, उनको अलग-अलग झूठे मुकदमों के अंदर जेल के अंदर डाला गया है। तमाम वो संस्थाएं जो देश के अंदर सरकारों की पोल खुला करती थी, उनकी फंडिंग को रोकने के लिए नए नए कानून, नए नए हथकंडे अपनाकर उनकी फंडिंग रोक दी गई है। कहा जा सकता है कि सरकार सिर्फ अपनी बड़ाई सुनना चाहती है। सरकार की आप बड़ाई कीजिए, सरकार के पक्ष में बोलिए तो आप बोलते रहेंगे। सरकार से सवाल पूछने वालों की जुबान बंद करने के सब हथकंडे जो है सरकार अपना रही है। और मेरा मानना यह है कि कुछ दिनों के अंदर अगर लोग सरकार से सवाल पूछना बंद कर देंगे तो सबसे बड़ा नुकसान देश की जनता का होगा, क्योंकि देश की जनता के सवाल जनता खुद तो नहीं पूछेगी, कहीं से इन्हीं माध्यमों से जो है सवाल पूछे जाते हैं। ये कहना कि सवाल कहीं से आए थे, मैं एक एमएलए था, मैं अगर संसद में या विधानसभा में सवाल पूछूंगा, जाहिर सी बात है वो मेरी पर्सनल नॉलेज नहीं हो सकती, ये संभव ही नहीं है। आपको कोई ना कोई आदमी कहेगा कि ये जनहित का काम है, आप ये सवाल पूछिए, यहां गड़बड़ी हो रही है, आप ये सवाल पूछिए। मुझे, मैं कोयला खदान में काम कोई ना करता हूं जो मैं कोयले खदान से संबंधित सवाल पूछ सकता हूं, मैं बैंक में काम कोई ना करता हूं रिजर्व बैंक में जो रिजर्व बैंक से संबंधित मैं सवाल पूछूं। आपके सवाल सोर्स होते हैं अलग अलग माध्यमों से। अगर सवाल सोर्स हुआ है कहीं से और इसको अगर आप कहें कि गलत है, मैं समझता हूं कि ये परिभाषा ही गलत है। महुआ मोहित्रा के निष्कासन पर आके बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति करती है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, ये अन्याय है। महुआ मोहित्रा लड़ाई लड़ेंगी और जनता न्याय देगी। इसके साथ ही इसी पर शुभेंदु अधिकारी का भी बयान आया जो कि बीजेपी के नेता हैं, कि माँ काली का श्राप महुआ मोहित्रा के निष्कासन पर उन्होंने कहा है। देखिए, जिस तरीके से ये तानाशाही सरकार कर रही है, कोई भी आदमी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक ही क्यों ना हो, अंततः उसका नुकसान है। सर, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्ति हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुझे लगता है मुख्यमंत्री के लिए काफ़ी जो है मुशक्क़त हो रही है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा है। पार्टी को नहीं मालूम कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए और ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। सर, 200 करोड़ रुपए फ्री बरामद की गई है ओडिशा झारखंड में, ये छापेमारी कांग्रेस सांसद के यहाँ हुई है। ये जो धीरज साहू है, इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है, लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ से पैसे बरामद किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है, सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस से है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी हमेशा नोटबंदी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। झारखंड में उन्होंने जिक्र किया कि 200 करोड़ रुपये बरामद हुए, जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार है। ये तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को बताना चाहिए। जब उन्होंने देश को नोटबंदी के अंदर झोंका, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई लाइन में लगे लगे, लोगों की शादी ब्याह रुक गए, लोगों के घर बर्बाद हो गए, लोगों के धंधे खत्म हो गए, तब ये कहा गया था कि देश से काला धन खत्म हो जाएगा। मगर मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ देश को धोखा दिया गया और आज खुद इस तरीके के संकेत सबके सामने हैं। पिछले कई सालों से छापों के अंदर लगातार नकदी करोड़ों रुपए जो है इस्तेमाल में दिख रहे हैं। टेररिज्म खत्म नहीं हुआ, आज भी नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म है, कश्मीर के अंदर आए दिन हत्याएं हो रही हैं, सैनिकों की हत्याएं हो रही हैं, फौज के अफसरों की हत्याएं हो रही हैं, तो टेररिज्म भी खत्म नहीं हुआ, ब्लैक मनी खत्म नहीं हुआ। जितना पैसा बाहर कैश में था वो सारा का सारा लगभग 99.7% के करीब पैसा वापस रिजर्व बैंक में आ गया,
तो इस नोटबंदी से फ़ायदा किसका हुआ? सिर्फ उन दलालों का फ़ायदा हुआ जिन्होंने दलाली करके लोगों के नोट बदलवाए। वो दलाल किसके थे? वो दलाल कांग्रेस के तो नहीं हो सकते, वो अपोजिशन के नहीं हो सकते, वो दलाल तो केंद्र सरकार से जुड़े हुए लोग ही हो सकते हैं। क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई केंद्र सरकार करेगी? क्या केंद्र सरकार इसकी आज जिम्मेदारी लेगी कि वो काला धन खत्म करने में सक्षम नहीं रहे? सीबीआई ने रिपोर्ट पेश की, इसमें विरोधाभास है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में एक आरोपी को जमानत देते हुए ये टिप्पणी की है। अब उन्होंने कहा कि आखिरकार यह प्री ट्रायल हिरासत है, कब तक हिरासत में रखा जा सकता है? देखिए, ये देश की कानून व्यवस्था का मजाक है। मजाक इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि साहब आप 5 तो चार्जशीट ला चुके, आप अभी किस किस को और आरोपी बनाओगे ये आपको ही नहीं पता। आप सोचते रहते हो कि अच्छा ये बोल रहा है तो अब इसको आरोपी बना दिया जाए, अब ये बोल रहा है तो इसको आरोपी बना लिया जाए, तो आपकी तो ट्रायल ही शुरू नहीं होगी। जब आपका मुकदमा ही नहीं शुरू होगा और वो सरकार की वजह से शुरू नहीं हो रहा तो आप कैसे किसी को हिरासत में रख सकते हैं? बिल्कुल हूबहू बात मनीष सिसोदिया जी के बेल में भी कही गई थी कि आप इस बेल को 2 से 3 महीने के अंदर जो है, अगर आप इस ट्रायल को नहीं शुरू करते और 6 से 8 महीने में इस ट्रायल को ख़त्म नहीं करते तो मनीष सिसोदिया जो है दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी वो सही हो रही है। सरकार की, केंद्र की कोई मंशा नहीं है कि इसके अंदर जो है मुकदमा शुरू किया जाए, क्योंकि मुकदमा शुरू होते ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये जो झूठा पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का जो आरोप है ये जो है आके ज़मीन पर गिर जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ये है कि अगर टाइम मैगजीन के अंदर मोदी के विषय में कोई बुरी बात आती है तो कहते हैं ये तो जो है झूठा प्रचार है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट विदेश के फाइनेंशियल टाइम्स में छपती है तो कहते हैं साहब ये तो भारी रिपोर्ट है, ये तो झूठा प्रचार है। और अगर कोई रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में छप जाती है तो उसको लेके जो है डमरू बजाते घूमते हैं। ये कैसे संभव है कि अभी जो 3 चुनाव हुए हैं राज्यों के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर मैं आपको बताऊं 41% 42% है। 41% 42% वोट शेयर का मतलब ये है कि करीब 60% लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते। जब 60% वोटर जहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां भी नहीं चाहते हैं, जहां हारी है तेलंगाना में वहां की तो बात ही छोड़ दीजिए, साउथ में कर्नाटक में हारी है वहां की बात छोड़ दीजिए, तमिलनाडु में हारे हुए हैं, केरला में हारे हुए हैं, वो बात छोड़ दीजिए, जहां जीते हैं वहां ही 42% वोट है। तो ये कैसे हो सकता है कि 76% वोट जो है प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ झूठ और अपने हिसाब से सेलेक्टिव चीजों को चुनने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। विपक्षी नेताओं द्वारा ईवीएम, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं अगर ईवीएम के साथ कोई मुद्दा था तो कांग्रेस छिंदवाड़ा में कैसे जीत गई, कर्नाटक और हिमाचल कैसे जीत गई, ये ईवीएम नहीं है, उनके अहंकार की खत्म हो गया। देखिए, ये जो बहस है एक बड़ी बहस है और इस तरीके की बहस जो है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे ही इसको जो है कंक्लूड किया जा सकता है। ये वाद विवाद से जो है ये कंक्लूड नहीं होगी। सुशील मोदी का कहना है कि अगर बीजेपी जीत जाएगी बीजेपी के सामने मुश्किलात नहीं है। देखिए, सुशील मोदी वो आदमी हैं जो नीतीश कुमार के नीचे उप मुख्यमंत्री बन के नीतीश कुमार के लिए ढोल बजाते थे। सालों साल उन्होंने ढोल बजाया नीतीश कुमार का। आज नीतीश कुमार जो है क्योंकि अपोजिशन अलायंस में है तो आज उनके दुश्मन बन गए। तो इस तरीके की जो हल्की छोटी राजनीति होती है वो सुशील मोदी को शोभा नहीं देती।